हेलो फ्रेंड्स और हमारे प्रिय छात्रगण, हम जेपीएससी पीटी 2 पेपर 2 का झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित चैप्टर झारखंड के आदिवासी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, नोट्स भी लिख रहे हैं। इसमें से हमने लगभग 20-24 जनजातियों का जिक्र कर चुके हैं, उनके सारे परिदृश्य को समझा है, अवलोकन किया है। आज बारी है उसी नोट्स को कंटिन्यू करने का और आप हेडिंग देंगे चिक बड़ाइक जनजाति। चिक बड़ाइक जनजाति और इसका लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इस जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह में रखा जाता है। जिसका मुख्य संकेंद्रण केंद्र या जिसका मुख्य जमाव गुमला सिमडेगा क्षेत्र में पाया जाता है, जिनकी भाषा नागपुरी है। नागपुरी मतलब एक प्रकार का इनकी भाषा सदानी वाली ही है। इनकी भाषा नागपुरी मतलब सदानी है। इनकी भाषा या जिनकी भाषा नागपुरी है, नागपुरी है, और यह एक बुनकर कपड़ा बुनने वाले और यह एक बुनकर जनजाति है। जिन्हें हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है, जिन्हें हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है। अर्थात इनका मुख्य पेशा कपड़ा बुनना है। अर्थात इनका मुख्य पेशा कपड़ा बुनना है, कपड़ा बुनना है। नेक्स्ट पॉइंट, चिक बड़ाइक जनजाति का समाज परिवार पितृसत्तात्मक है। जो बड़ गोहड़ी अर्थात बड़ जात मतलब ऊंचा जात, उसमें भी एक ऊंचा, अर्थात बड़ गोहड़ी अर्थात बड़ जात, और छोट गोहड़ी अर्थात छोटी जात, और छोट गोहड़ी अर्थात छोटी जात वर्ग में विभाजित हैं। अर्थात इनकी दो उपजातियां होती है, अर्थात इनकी दो उपजातियां, टू सबकास्ट, अर्थात इनकी दो उपजातियां हैं। जातियां हैं, यद्यपि इनके तीन गोत्र, यद्यपि इनके तीन गोत्र, तीन गोत्र कनरिया, खंभा और तजना है, यद्यपि इनके तीन गोत्र तनरिया, खंभा और तजना है, तजना है,
उसी में समाज में पुनर्विवाह को सगाई कहा जाता है। कहा जाता है सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसी में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस जनजाति में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस जनजाति में अन्य जनजातियों की तरह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस जनजाति में अन्य जनजातियों की तरह तरह अखरा अखरा मतलब नृत्य स्थल अखरा और पंचायत नहीं पाई जाती, यह पंचायत और अखरा नहीं मिलती। नेक्स्ट पॉइंट, चिकबड़ाइक जनजाति का मुख्य देवता सिंह बोंगा है। सिंह बोंगा है। इसके अलावा देवी माई चिकबड़ाइक जनजाति का मुख्य देवता सिंह बोंगा है, यद्यपि देवी माई इनकी प्रमुख देवी है। देवी है उसी में इस जनजाति में शवों को दफनाने के स्थान को इस जनजाति में शवों के दफनाने के स्थान को मसना इस जनजाति में शवों को दफनाने के स्थान को मसना कहते हैं। मसना कहते हैं, मसना कहते हैं। मसना कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए आप लोग, माल पहाड़िया जनजाति। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, माल पहाड़िया जनजाति। देखिए इसमें माल पहाड़िया के बारे में, यह झारखंड की एक आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति है जिसका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाट समूह से है, जिसका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाट समूह से है। समूह से है। रिजले महोदय ने इन्हें द्रविड़ समूह समुदाय से माना है। रिजले महोदय ने इन्हें द्रविड़ समुदाय का माना है। जिसका मुख्यतः जमाव, जिसका मुख्य संकेंद्रण केंद्र, जिसका मुख्य संकेंद्रण यह मुख्य जमाव संथाल परगना क्षेत्र है। संथाल परगना क्षेत्र है, परंतु साहेबगंज को छोड़कर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका मुख्य जमाव या मुख्य बसाव संथाल परगना क्षेत्र है, परंतु साहेबगंज को छोड़कर। नेक्स्ट पॉइंट, माल पहाड़िया को बुचानन हैमिल्टन ने, माल पहाड़िया को
बुचानन हैमिल्टन, माल पहाड़िया को बुचानन हैमिल्टन ने मलेर कहा है, मलेर। बुचानन माल पहाड़िया को बुचानन हैमिल्टन ने मलेर कहा है। इनकी भाषा मालतो है, मालतो है, जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनकी भाषा मालतो है, जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनको सकरा जाति, इनको सकरा, इनको सकरा जाति का वंशज भी माना जाता है, इनको सकरा जाति का वंशज भी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय है, पितृवंशीय है। वधु मूल्य जिसे पोन या वधु मूल्य जिसे पोन या बंदी कहते हैं, वधु मूल्य जिसे पोन या बंदी कहते हैं, वधु मूल्य जिसे पोन या बंदू कहते हैं, में सुअर देने की प्रथा है। पिग, सुअर देने की प्रथा है, क्योंकि क्योंकि सुअर क्योंकि सुअर इनके क्योंकि सुअर इनके आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है, क्योंकि सुअर इनके आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है, प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इस जनजाति में गांव के मुखिया मांझी कहलाता है, मांझी कहलाता है, मांझी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनका मुख्य पेशा स्थानांतरणशील कृषि कार्य करना है, इनका मुख्य पेशा स्थानांतरणशील कृषि, खाद्य संग्रहण और शिकार करना है, शिकार करना है। इस जनजाति के झूम खेती को कुरुआ, इस जनजाति के झूम खेती को या स्थानांतरणशील कृषि को कुरुआ के नाम से पुकारा जाता है, कुरुआ। साथ ही साथ जनजाति में साथ ही साथ इस जनजाति में इस जनजाति में भूमि को साथ ही साथ इस जनजाति में भूमि को चार श्रेणियों में विभाजित किया जाता है,
सेम सेम भूमि, सेम भूमि देखिए ब्रैकेट में उपजाऊ भूमि, सेम भूमि मतलब उपजाऊ भूमि, टिकुर भूमि, टिकुर टिकुर भूमि, टिकुर भूमि सबसे कम उपजाऊ भूमि, सबसे कम उपजाऊ भूमि, डैम भूमि, डैम डैम भूमि, डैम भूमि, मध्य उपजाऊ भूमि मतलब न ज्यादा ना अधिक, मध्य उपजाऊ भूमि, और एक है बाड़ी भूमि, बाड़ी भूमि, ब्रैकेट में सब्जी उगाने हेतु भूमि। में बांटा जाता है, में बांटा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस जनजाति का प्रमुख देवता सूर्य एवं धरती गोरासी गोसाई है। इस जनजाति का प्रमुख देवता सूर्य एवं एवं धरती गुरासी, इस जनजाति का प्रमुख देवता सूर्य एवं धरती गुरासी गोसाई है, धरती गुरासी गोसाई है, गोसाई है। गांव का पुजारी देवरी या देहरी, गांव का पुजारी देहरी कहलाता है। कहलाता है उसी में इस जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण पूजा माघी पूजा है। माघी इस जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण पूजा माघी पूजा है, माघी पूजा है जो माघ माह में, जो माघ महीने में पूजा की जाती है, जो माघ महीने में पूजा की जाती है। नेक्स्ट लिखिए आप लोग, बिंझिया जनजाति, बिंझिया नेक्स्ट लिखिए, बिंझिया बिंझिया जनजाति, देखिए इसमें बिंझिया झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। जो स्वयं को बिंद निवासी, जो स्वयं को बिंद निवासी कहती है, जो स्वयं को बिंद निवासी कहती है, जिसका संबंध द्रविड़ समूह से है, जिसका संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है। जो मुख्य रूप से रांची और सिमडेगा जिले में पाई जाती है, जो मुख्य रूप से रांची और सिमडेगा जिले में पाई जाती है। उसी में
यह जनजाति ब्राह्मण और राजपूत के अतिरिक्त अन्य घर में भोजन करना पसंद नहीं करते, इनकी भाषा सदानी है, छात्रगण आप समझ लें कि जैसे मैं लिखता हूं कि इनकी भाषा सदानी है, तो मैंने बताया था आप लोगों को एक पॉइंट्स कि झारखंड के मूल निवासी या झारखंड के मूल गैर जनजाति, देखिए मैं बोल रहा हूं झारखंड के मूल गैर जनजाति निवासी को सदान कहते हैं, और सदानों की अपनी एक भाषा है, उस भाषा के अंतर्गत नागपुरी, पंचप्रगनिया, कुरमाली, खोरठा भाषाओं को रखी जाती है। जब हम लिखे हैं कि इनकी भाषा सदानी है, तो निश्चित तौर पे या तो इनकी भाषा खोरठा होगी, पंचप्रगनिया होगी, कुरमाली होगी, नागपुरी होगी, यही चार पांच भाषा को सदानी भाषा के नाम से पुकारी जाती है। तो मैं लिखाया हूं इनकी भाषा सदानी है। नेक्स्ट, बिंजिया जनजाति सात गोत्रों में विभाजित है। यहां बधु मूल्य को डाली कटारी कहा जाता है, तलाक को छोड़ा छोड़ी, एवं इस जनजाति में युवा गिरी जैसा संस्था नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, उसी में बिंजिया जनजाति के विवाह में या बिंजिया जनजाति में मुख्यतः गुलैची विवाह बिंजिया जनजाति में मुख्य रूप से गुलैची विवाह, ढूकू विवाह, सगाई संघा विवाह, बिंजिया जनजाति में मुख्य रूप से गुलैची विवाह, ढूकू विवाह, सगाई संघा विवाह प्रचलित है। उसी में यह जनजाति स्वयं को राजपूत मानती है, स्वयं के नाम के अंत में सिंह शब्द का प्रयोग करती है।
इनका मुख्य पेशा कृषि कार्य है, इनका मुख्य पेशा कृषि कार्य है। नेक्स्ट लिखिए, बिंझिया जनजाति का सर्वप्रमुख देवता विंध्यवासिनी देवी है और इसके अतिरिक्त ये लोग चरदी देवी की पूजा करते हैं, इस जनजाति में तुलसी पौधा पूजनीय माना जाता है और इनके पुजारी को बैगा कहा जाता है तो छात्रगण, अभी तक हमने झारखंड के 32 में से 27 जनजातियों का जिक्र किया और उन 27 जनजातियों का जिक्र इस प्रकार मैंने किया है अपने नोट्स के माध्यम से कि अगर इससे प्रश्न उनके समाज का, आर्थिक का, धार्मिक का, राजनीतिक का, सांस्कृतिक का अगर कोई प्रश्न पूछी जाती है तो मैं समझता हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा पॉइंट्स आपको लिखाया गया है कि आप एग्जाम में उसे जरूर अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो छात्रगण, शेष बचे हुए 5 जनजाति का जिक्र हम नेक्स्ट क्लास में लेकर हाजिर होंगे और देखेंगे कि शेष बचे हुए 5 जो जनजाति बच गई है उनकी सामाजिक आर्थिक परिदृश्य कैसी है फोर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जेपीएससी पीटी पेपर 2 का आपका एक पाठ्यक्रम का एक पार्ट से, सिलेबस का एक पार्ट से। ओके, थैंक यू।